अगर आप लोगों का भी मन उब गया है सब्जियां मतलब खा करके, तो आप लोग सोचते हैं कुछ अलग तरह की सब्जी बनाना, तो इस वीडियो को लो पूरा देखिए और ये रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये मूंग दाल की सब्जी है और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अलग तरीके से बना भी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने लिया हुआ एक मिक्सी जार, इसमें हमने डाल दिया है अदरक लहसुन और प्याज, इन सबको हम बारीक पीस करके पेस्ट बना करके रख लेंगे। इधर हमने मूंग की दाल ली है और मूंग की दाल को हमने 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। 4 घंटे के बाद इसको अच्छे से धुल कर वाश कर लिया बढ़िया से, और इसके बाद इसको डाल देंगे मिक्सी जार में। मिक्सी जार में डालने के बाद इसमें डाल देंगे एक चुटकी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमको ये फेंटना नहीं पड़ेगा, ऐसी में मिक्सी जार में जब हम पीसेंगे दाल को उसी के साथ जो खाने वाला सोडा है अच्छे से मतलब फिट जाएगा उसमें से। और 1 चम्मच पानी डाल करके इसको हम पीस करके तैयार करके रख लेते हैं। तो अभी हम पीस के दिखा रहे हैं, तो देखिए आप लोग ये दूसरे बर्तन में हम इसको जो मूंग के दाल का पेस्ट है निकाल लेंगे। और इसी तरह का हमको मतलब जो मूंग के दाल का जो बैटर है ना उसी तरह चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, मतलब बहुत गाढ़ा भी नहीं। गाढ़ा रहेगा तो पकौड़ियाँ इसी अच्छी नहीं बनती हैं, और बहुत पतला होगा तो पकौड़ियाँ बिखर जाएंगी नहीं बनेंगी। इस तरह से आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। और इसके बाद कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें साबुत जीरा हींग हल्दी है और थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आप लोगों को ना डालना हो तो आप लोग इसकी जगह पे धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो धनिया की पत्ती मेरे पास इस समय नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और प्याज हमने बारीक काट करके डाल दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम मिला लेंगे। अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कुछ सब्जी इसमें ऐड करना तो उसमें ऐड कर सकते हैं। आलू उलू अगर चाहते हैं इसमें क्रश करके डालना तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। अब इन सबको हम देखिए फेंट लेते हैं, इसमें मतलब मिला लेते हैं। तो मिला करके अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं मिल गया है। अब इधर चलते हैं हम तेल गरम करने के लिए, इसको फ्राई करने के लिए। तो इधर हमने जो तेल लिया है तो इसमें मैं पहले कोई रेसिपी बनाई थी तो वही तेल अभी है ये। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि जो सरसों के तेल में ही फ्राई करना है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो खाते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम इस तेल में मैं फ्राई कर लूँगी। तो इनको ऐसे चम्मच से डालते जाएंगे। चम्मच से डालने से बहुत आसानी होता है, हाथ पे बिल्कुल नहीं लगता है और ये हमारी पकौड़ियाँ आराम से तेल में पड़ भी जाती हैं। तो इस तरह से हम चम्मच से सभी पकौड़ियों को मतलब जो मूँग की दाल की पकौड़ी है ना इसको इसमें डाल देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये तेल के ऊपर जो पकौड़ियाँ जब तैरने लगती हैं तो समझ लीजिए पकौड़ियाँ हमारी एकदम बढ़िया से तैयार हो गई हैं। तो तेल के ऊपर देखिए तैर रही हैं। तो अब इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा चला करके और अंदर तक सिक जाए तब तक चला करके इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं। और ये तेल बहुत ज़्यादा ये सोखती नहीं है, सब तेल मतलब जब अच्छे से सिक जाते हैं तो तेल इससे निकल जाता है और एकदम सॉफ्ट हो जाती है पकौड़ियाँ। और इसको आप लोग चाहें तो वैसे भी चटनी से चाय के साथ खा सकते हैं। सुबह शाम के नाश्ते में भी ये पकौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं और फ़ायदेमंद भी होती है। मूंग की दाल तो फ़ायदेमंद ही होता है। तो इसको हम सब्जी बनाएंगे तो इसके लिए देखिए अब हमने ले लिया है सरसों का तेल। अब सरसों के तेल में हम जो है ना मसाला भूनेंगे, इसमें डाल देंगे जीरा, सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले। अगर मेथी दाना आप लोग डालना चाहें तो मेथी दाना भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा स्वाद उसका तड़का लगता है। और जो पेस्ट हमने अदरक और लहसुन प्याज का बनाया था इसको इसमें हम डाल करके भूनेंगे। तो ऐसे ही लगातार चलाएंगे और जो गैस का फ्लेम है मीडियम करके ही इसको भूनेंगे जिससे मसाले हमारे जले ना। अब इसको हमने इतना भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे मसाला। तो धनिया पाउडर डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। सभी मसालों को मैं साथ में ही डाल दे रही हूँ और डाल करके उसे अच्छे से मतलब भून लेना है। और ऐसे ही लगा मतलब चलाएंगे और जब इसमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है क्योंकि जब मसाले हैं ना नीचे पकड़ सकते हैं और उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। तो इसके बाद इस तरह मसाला हमने भून लिया है।
अब हमने एक टमाटर बड़े साइज का था उसको हमने पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बना करके इस मसाले में हमने डाल दिया है। और इसी के साथ ग्रेवी के हिसाब से ही इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि याद रखें नमक हमने पहले पकौड़ी में डाला है, तो इसीलिए जितना ग्रेवी आपको हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नमक डाल देंगे और ऊपर से हरा मिर्चा डाल देंगे। इस तरह से हरा मिर्चा डालने से आप लोग चाहें तो उसको निकाल करके खा लेंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखी सब्ज़ी नहीं खाना पसंद करते हैं। अब इसको देखिए हमने ढक दिया है और ढकने के बाद इसको ऐसे 1 मिनट छोड़ देंगे तो तेल जो है ना मसाला छोड़ देता है, तो समय भी लगता नहीं है भूनने में। तो देखिए ये भून गया है। अब फ्रेंड्स इसमें डालेंगे पानी, तो पानी पहले हम थोड़ा डालेंगे। तो देखिए पानी पहले हमने थोड़ा डाला है, अब जो पानी वही है जिसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना उसी में मैंने पानी मिला करके अच्छे से घोल दिया है और इसी को पानी को मैं डालूँगी। तो पहले मैंने थोड़े से पानी इसमें डाल करके मिला लेना है, जो मसाले हैं अच्छे से मिल जाने चाहिए, तब इसके बाद हम पानी डालेंगे पूरा। और पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही आप लोग डालिएगा, क्योंकि ये जो पकौड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी सोख लेती हैं। तो अभी आप लोगों को पानी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि कितना मैं पानी डाल रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, पानी इसमें बचेगा ही नहीं, ये पकौड़ियाँ सारी पानी सोख लेंगी। इसको हमने ढक दिया और एक अच्छा सा उबाल जब आ जाएगा तब इसमें हम जो मूंग दाल के पकौड़े हैं इसमें डाल देंगे और इसको हम मिला करके ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद अभी आप लोग हमको दिखा रहे हैं जो ग्रेवी है उसकी कम हो जाएगी, और जब ढक करके रख देंगे जब ठंडी होगी तो और भी ग्रेवी कम हो जाएगी। देखिए 5 मिनट बाद हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारी सब्ज़ी देखिए बन भी गई है, लेकिन अभी आप लोगों को ग्रेवी दिख रहा है ना, तो ग्रेवी अभी रहेगा नहीं, क्योंकि ये सारी पकौड़ियाँ ग्रेवी सोख लेंगी और ये मतलब ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, जो ठंडी सब्जियाँ हो गई हैं तो मैं कटोरी में निकाल के दिखा रही हूँ, तो आप लोग खुद देखिए एक ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई। इसीलिए आप लोग पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये मूँग दाल के पकौड़ों की सब्ज़ी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।